हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे JSSC TGT PGT इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले इंडियन लिटरेचर में कमला दास के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इनकी कविताओं में किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं और इनकी जीवनी क्या है, ये कौन कौन सी पोएम्स लिखी हैं, किस तरह की पोएम लिखती हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनका जन्म 31 मार्च 1934 पुन्नैरकुलम मालाबार केरला में हुआ। इनकी मृत्यु 31 मई 2009 पुणे में हुई। हर मदर नालापात बालमणि अम्मा वाज अ वेल नोन पोएट एंड हर फादर V.M. Nair was an automobile company executive and a journalist. इनकी माता का नाम नालापत बालमणि अम्मा है, जो एक जानी मानी पोएट हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन से कमला दास ने भी कविता लिखना प्रारंभ की। इनके पिता का नाम V.M. नायर हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनी के कार्यकारी और पत्रकार थे। व्हेन सी वाज 15 ईयर्स ओल्ड सी मैरिड माधव दास, बट मैरिड लाइफ वाज नॉट हैप्पी। जब वह 15 साल की थी, तभी उनकी शादी मानव दास से हो गई, लेकिन इनका जो मैरिड लाइफ है वो खुशमई नहीं था, क्योंकि वे समाज के चार दीवारी में घिरी थी। इनके पति नहीं चाहते थे कि कोई औरत कविता लिखे और समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। यही कारणों से कमला दास अपनी कविता छिप छिप कर लिखा करती थी, और उनको अपने पति से, मतलब कमला दास को अपने पति से डर था, क्योंकि महिला होने के नाते अच्छी पत्नी के रूप में उन्हें दिखाना पड़ता था। उन्हें हमेशा ये दिखाना पड़ता था कि हम सिर्फ एक महिला हैं, एक पत्नी हैं, और सिर्फ उसका काम है अपने घर में रहे और घर के चारदीवारी में कैद रहे, और जो पति कहे और वही सब काम करें। She has embraced Islam and changed her name to Suraiya Begum in 1999 when her husband died. जब कमला दास के पति की मृत्यु 1999 में हुई, उस समय वह इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम सुरैया बेगम रख ली। हर पेन मैडन नेम इज माधवी कुट्टी, सी रोट बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड मलयालम। माधवी कुट्टी जो है वही कमला दास हैं। कमला दास अपने रीडर्स के लिए दो भाषाओं में कविता लिखा करती थी। जब अपनी कविता मलयालम में लिखती, तब वे अपना नाम माधवी कुट्टी रखती थी, और अंग्रेजी में जब वो कविता लिखती तो उस समय वो अपना नाम कमला दास लिखा करती थी। द ट्रिनिटी ऑफ इंडियन पोएट्स आर नज़ीम एज़किल, रामानुजन एंड कमला दास। हम अगर बात करें कि उस सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, तो हम ये तीन नाम नहीं भूल सकते हैं। अगर हम इंडियन पोइट्स के बारे में कहें तो हम तीन नामों को हम नहीं भूल सकते हैं। ये तीन हैं जो इंडियन पोइट्स हैं, वो ट्रिनिटी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे नज़ीम एज़किल, रामानुजन, कमला दास। ये तीन नाम बहुत ही फेमस हैं। हर पोएम सीज द 20th सेंचुरी conventional sensitive poet novelist and also short story writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom she calls for liberty। यह 20वीं सदी की
कन्फेशनल सेंसिटिव पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जो मानवीय संबंधों के लिए महिलाओं के हित में लिखती हैं। इस तरह वह महिलाओं के हक में आवाज़ उठाने वाली एक कह सकते हैं कि फ्रैंक मूड है ना, जो एकदम फ्रैंक, कोई भी बात छिपा करके नहीं रखना है, एक फ्रैंक मूड में लिखती थी और फ्रैंक मूड वाली पोएट के रूप में जानी जाती है। हर पोएट्री मार्क्ड विद पोर्ट्रेयल ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमेन टॉर्न बिटवीन फ्रस्ट्रेटेड लव एंड डिजायर फॉर इमोशनल फुलफिलमेंट, मैच्योरेशन, पॉवर्टी, लेस्बियन इनकॉन्टिनेंस एंड फिजिकल इंटीमेसी। उनकी कविता में निराशा, प्रेम और भावनात्मक तृप्ति, परिपक्वता, यौवन, समलैंगिक मुलाकात और शारीरिक अंतरंगता जो है, जो भरा हुआ है, जो इच्छा है, वो इसके बीच में दबी आधुनिक भारतीय महिलाओं का चित्रण को उजागर किया है। मतलब कि ये जितनी भी ये पॉइंट्स हैं, जैसे भावनात्मक भावनात्मक तृप्ति, जो इंडियन वुमन के जो हित में जो लिखी गई है, इसके बारे में एक चित्रण किया गया है इनके पोएम्स में। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ हर पोएट्री इज द इनहेरिटेड फ्रैंकनेस विथ विच सी टॉक्स अबाउट सेक्स, लव, लस्ट, पेन, नर्वसनेस, मेलनकली एंड फ्रस्ट्रेशन। इनकी कविता में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो समाज में बिखरा पड़ा है, जैसे सेक्स के बारे में बात करती है, वासना के बारे में बात करती है, प्रेम, दर्द, उदासी और हताशा, इस सब पॉइंट्स के बारे में वो अपनी कविताओं के माध्यम से बताती है। यह सभी गुणों से परिचित कराती है और ये समाज में हो रहे बुराइयां, अत्याचार, जो घुटन है महिलाओं के अंदर जो दबी हुई है, इस ये बताती है। ये उस समय की बात करती है जब कोई महिला को मतलब बोलना भी बहुत मुश्किल पड़ता था आज़ादी के पहले, कि कोई महिला बढ़ चढ़ करके कोई एक राइटर बने, कोई पोएट बने, ये ऐसा नहीं होता था। लेकिन कमला दास ने ये महिलाओं के हित में, महिलाओं के प्रति ध्यान में रख करके ये सारी कविताओं के माध्यम से हम लोगों को बताती है। कमला दास अंग्रेजी में लिखने वाली पहली महिला थी जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं के एक अनुभव और यौन इच्छाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। सी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक क्वालिटी। हर पोएम्स आर डीपली ह्यूमन इंटेंस एंड मूविंग ऑफ द वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। कमला दास रॉबर्ट ब्राउनिंग के नाटकीय गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हैं और उनकी फीचर भी इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। इनकी कविताओं में गहराई से मानवीय है और महिला के दृष्टिकोण से महिला को माध्यम में रख करके महिलाओं के हित में बात करती हैं। द टाइम कॉल्ड हर मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट। द टाइम है जो कमला दास को मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट के नाम से जानती है, कहती है, एक जननी के रूप में इसे जाना जाता है, एक मातृ के रूप में जाना जाता है कमला दास को। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसे वर्ल्ड प्राइज 1984 में, द चिमनलाल अवार्ड ऑफ फेयरलेस के लिए दिया गया था 1971 में, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड में इन्हें मिला 1969 में, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला इनको 1985 में, 1963 में पैन एशियन पोएट्री प्राइज मिला। ऐसे बहुत सारे जो लिस्ट है वो उन्हें एक अवार्ड्स के रूप में मिला है, बहुत सारे प्राइज इनको मिला है। अगर हम बात करें इनके वर्क्स के बारे में, तो
ये अपनी कविता एक ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में लिखती हैं, अपने बारे में बताती हैं कि इनके समाज में किस तरह की बुराइयाँ होती थी, अत्याचार किए जाते थे महिलाओं के प्रति, महिलाओं को कितने सहन करना पड़ता था, ये सब अपनी स्टोरी माई स्टोरी में ये बताती हैं। ये कुछ पोएम भी लिखी हैं, जैसे समर इन कलकत्ता एक कलेक्शन है पोएम का जो 1965 में पब्लिश हुआ, द शीरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास, मानस एक नॉवेल है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट ये भी एक नॉवेल है, द डांस ऑफ द यूनिश पोएम एक पोएम भी इनकी बहुत फेमस है, अ हॉट नून इन मालाबार पोएम, या अल्लाह जो 2001 में पब्लिश हुई, इनकी जो एक मुख्य पोएम्स हैं जो पूरे इस इंडियन लिटरेचर में फैला हुआ है, और हम इनके पोएम्स को एक एक करके हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो एक एक करके जो पोएम्स आएंगे समर इन कलकत्ता में, जो कलेक्शन है, जो इनमें जो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंस जो पोएम हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे द फर्स्ट पोएम समर इन कलकत्ता, जो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक टू ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।